हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश और आज मैं एडुप्राइड पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइस। तो डाइस में आज हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस डाइस के बनते हैं, जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर डाइस, कैलेंडर और क्लॉक, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं स्टूडेंट्स को। तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं हमारे, SSC हो गए, रेलवे हो गए आपके, तो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को छोड़ के जितने भी आपके पेपर बनते हैं, जैसे अभी DSSB है, तो सारे पेपर में आपके डाइस के क्वेश्चंस बनते हैं। और डाइस में आपको आज ऐसा बताऊंगा कि देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली डाइस के क्वेश्चन शुरू करे गए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि यार डाइस का बेसिक क्या होगा, वो तो सर ने एक्सप्लेन नहीं करा। भाई मेरे डाइस ऐसा क्लियर करके जाऊंगा आज 15 से 20 मिनट में कि पूरी जिंदगी डाइस नहीं भूलेगा। बस करना कुछ नहीं है आपको, स्टार्टिंग से एंड तक आपको सारे वीडियोज देखने ये वाले, ठीक है। जहाँ पे डाउट हो, दिक्कत लगे, रोकिए, बैक जाइए और फिर से देखिए। तो आइए देखते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा डाइस। डाइस में जो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्त, डाइस का मतलब होता है पासा, वही बचपन में जो लूडो खेलते थे हम लोग, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो पिक्चर आपका बन के आता है वो कुछ ऐसा पिक्चर बन के आएगा कि 1 2 3 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 4। इसमें कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपके पास ऐसा पिक्चर बनता है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेटा में, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज करेक्ट, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। और एक पूछा जा सकता है कि अगर इस डाइस को फोल्ड किया जाए तो विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ फेसेस शोइंग 3, 3 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, यही दो क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास का डेटा अवेलेबल कराया गया, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो बच्चा 1 का अपोजिट जो है वो 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5। अब एक डाइस पे टोटल 6 नंबर्स होते हैं, जिसमें 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 नंबर्स हो गए, और 2 नंबर कौन से बचे, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये बना कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर आपके पास ये डेटा रखा हुआ है ना, तो इस वाले का अपोजिट ये वाला हो जाएगा और इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, यानी कि 1 है तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, और ये 6 का अपोजिट हो जाएगा ये 4। यानी कि सीक्वेंस में एक का एक छोड़ के होता है और बाहर बाहर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। बच्चा अगर यही हमारे पास पिक्चर ऐसा बना होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार पिक्चर में बना देता हूँ आपके पास, ठीक है। पेन पेपर लेके जरूर बैठ जाए जितने लोगों के पास पेन पेपर नहीं है, ताकि हमारे पास का जो भी क्वेश्चन हो अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगे तो वो क्वेश्चन आप अपने लेवल पर नोट डाउन करा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें पूछेगा तो क्या करना है आपको, इसमें पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे 2 का तो कोई सीक्वेंस बन नहीं रहे, छोड़ दो, 4 का अपोजिट 6, अब यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा है 5, तो 2 का अपोजिट हो गया 5। अगर इनके जगह पे मैं बात करूं, अगर आपके पास लिखा होता क्या ABCD लिखा होता, सपोज करिए कि ABCDE और F, ABCD लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, A का अपोजिट क्या होगा C, B का अपोजिट D और E का अपोजिट यहाँ पे F हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा A का जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा C, B का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा D, बचे 2 नंबर E और F, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कुछ भी गिवन हो, अल्टरनेट पे लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, बताता हूँ आगे बच्चा। इसके बाद बात करते कि अगर हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन मिलता है तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे उनके मन में एक ही चीज़ चल रहा होता है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे
सेवन में से माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। नहीं, मैं आपको आज एक रामबाण बता के जाऊंगा, और इसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ ना, देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं डाइस के, तो ये सारे क्वेश्चंस विद इन अ 5 सेकंड में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं, पहला स्टेप हमारे पास जो आता है वो आता है कि अगर हमारे पास बच्चा ऐसा एक पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ जहाँ पे लिखा है 1 2 6 5 और यहाँ पे ब्लॉक्स बना के 3 और 4 भी गिवन है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होगा, पहला गिवन होगा 1 2 6, दूसरा गिवन होगा 1 5 2, तीसरा गिवन होगा 3 1 2, चौथा गिवन होगा 4 3 2। अच्छा, ये आपके पास एक डाइस का क्वेश्चन गिवन है और कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है और इसका जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आपके सामने बना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बना होगा और पूछा गया होगा इनमें से कौन सा वाला डाइस सही है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि वो बचपन में जो लूडो आपने खेला था उसमें जो डाइस आता था आप उसमें क्या कलाकारी करते थे, जब सारे अपने फ्रेंड्स के 6 आ जाते थे जहां से वो बॉक्स से बाहर निकलना होता था वो रेड कलर का बटन लेके, तो हम लोग उस डब्बे में उंगली डाल के इस तरीके से अरेंज करते थे कि डब्बे में क्या दिख जाए, 1 दिख जाए। बच्चा उस समय उतनी तो बुद्धि थी नहीं ना हमें कि 1 दिखेगा तो 6 दिखेगा अपोजिट में, नहीं, 1 दिखा, उंगली डाला पलट दिया तो 6 दिखा, तो 1 के अपोजिट में 6 नंबर था। जब आपने डब्बे में 1 देखा था तो 6 नहीं दिखा था, और जब आपने वहाँ पे जब फर्श पे जब वो डाइस आया और जब वहाँ पे आपने 6 देखा तो 1 नहीं दिखा था। यानी आज जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब हमारे पास डाइस में 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लाइक 1 का 6, तो अगर 1 दिखेगा तो 6 नहीं और 6 दिखेगा तो 1 नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं, अब ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। पहले पिक्चर की बात करते, पहले पिक्चर में था कि 1 और 6 दोनों हैं, तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 है तो 6 को दिखना नहीं चाहिए था। दूसरा है कि 5 का 2 से, 5 है तो 2 को दिखना नहीं चाहिए था। अगला है कि 1 3 और 2, तो 3 का 4 और 1 का 6, तो 3 का 4 और 1 का 6 और 2 का 5, यानी ये हमारा डाइस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास का क्वेश्चन बन के आ रहा था उसके अकॉर्डिंग 1 का अपोजिट 6, तो ये 1 है 1 का अपोजिट 6, ये 2 है तो 2 का अपोजिट बन के आएगा 5 और ये 3 का अपोजिट बन के आएगा 4, जबकि यहाँ पर 4 और 3 की वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे डाइस के कॉन्सेप्ट को। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि डाइस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, रियल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज का जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन सबसे हटके करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा सवाल है, पहला क्वेश्चन है, वो किस तरीके का पूछा गया है। आइए देखते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिगर ऑफ द डाइस यू हैव टेल अबाउट द नंबर बी देयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ नंबर 5। पूछा गया है कि एक डाइस है यहाँ पे और इसको 2 पिक्चर शो करे गए हैं इसके, और वहाँ पे आपको बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो दोनों डाइस आप देख रहे हो ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 3 और 3। कुछ नहीं करना है, लिख लो 3 3। इस 3 के क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 6, और देन क्लॉकवाइज में 4, इस 3 पे 1 और फिर 5, तो 1 और फिर 5। तो बच्चा 6 का अपोजिट 1, 4 का 5 और 3 का अपोजिट क्या रह गया, 2 रह गया, क्योंकि टोटल हमें 6 नंबर चाहिए, उन 6 में से 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4
फाइव यहाँ पे और ये रहे आपके सिक्स नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि फाइव के अपोजिट क्या होगा, तो फाइव के अपोजिट हमारा आंसर हो जाएगा फोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद जब बात करते हैं कि जब कभी भी आपके पास ऐसा डाइस मिले तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करा दीजिए, ठीक है ना, मर्जी आपकी। एंटी क्लॉकवाइज कराने एंटी क्लॉकवाइज करा लो, क्लॉकवाइज कराने क्लॉकवाइज करा लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू को छोड़ के क्वेश्चन नंबर थ्री बताता हूं। यहां पे क्या है, यहां पे ना दोनों तरफ क्या कॉमन है, पूछा क्या गया, पहले तो ये देख लेते हैं। पूछा गया क्या कि वन का अपोजिट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। जब दोनों तरफ के न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है, सेम है, सेम है। इनके पोजिशन भी क्या है, इनके पोजिशन भी सेम है। तो जब नंबर और पोजिशन दोनों सेम हो तो एक दूसरे के ऊपर रख दो, या फिर बना लीजिए ना कि सिक्स और सिक्स है तो यहाँ पे हो गया फोर और यहाँ पे हो गया वन, यहाँ पे हो गया आपका फाइव और यहाँ पे हो गया आपका फोर। गड़बड़ हो रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है। पूछा किसका था, वन का। देखिए अब ध्यान से, वन के अगल बगल के सरफेस पे सिक्स और फोर है, वन के अगल बगल सरफेस पे सिक्स और फोर है। तो बच्चा सिक्स फोर यहाँ पे और सिक्स फोर यहाँ पे, सिक्स फोर कैंसिल हो गया, सिक्स फोर कैंसल। तो बताइए कि वन का अपोजिट क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? सिक्स फोर दोनों पिक्चर में कैंसल, तो वन का अपोजिट हो गया फाइव। अभी भी नहीं क्लियर हुआ बच्चा? थोड़ी देर पहले हमारे पास का जो डेटा था वो कॉमन हो रहा था, तो हमने क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास का जो क्वेश्चन है कि वन का अपोजिट, तो वन के अगल बगल सिक्स फोर है, यहाँ पे सिक्स फोर यहाँ भी है और सिक्स फोर यहाँ भी है। तो सिक्स फोर और सिक्स फोर को कैंसिल कराइए और वन का अपोजिट फाइव पाइए। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, पूछा है सिक्स का अपोजिट क्या होगा, तो सिक्स के अगल बगल थ्री टू है और कहीं है नहीं। तो बच्चा कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास का ऐसा डेटा हो तो आपके पास दो तरीका है। पहला डाइस का कॉन्सेप्ट जो है वो ये वाला है, ये वाला। दूसरा डाइस का कॉन्सेप्ट हमने आपको ये वाला बताया। तीसरा देखिए, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि सिक्स का अपोजिट क्या होगा, तो सिक्स के अगल बगल थ्री टू है और सिक्स के अगल बगल थ्री फाइव है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अगर यहां पे मैं लेता हूं क्या कि फाइव थ्री और फाइव थ्री, तो सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे लेता हूं सिक्स थ्री, सिक्स थ्री, तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव। सिक्स का अपोजिट क्या होगा, फोर। आंसर इज फोर। यहाँ पे कहा गया कि वन टू सिक्स तक के नंबर शो किए गए हैं और आपको बताना है कि थ्री के अपोजिट में क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि दोनों में फाइव कॉमन है तो फाइव फाइव दोनों में कॉमन ले लो। पहले में सिक्स आया, फिर टू आया, दूसरे में वन और फिर फोर आया। क्लियर है यहाँ तक? पूछा किसका है, थ्री का। तो थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव। तो आंसर इज फाइव। थ्री का अपोजिट फाइव इसलिए होगा क्योंकि सिक्स का वन हो गया और टू का वन हो गया, बचा थ्री, थ्री का अपोजिट हो गया फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है कि थ्री का अपोजिट क्या होगा। अब सिंपल, अब यहां से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट बदल देना चाहूंगा दोस्तों, क्या कि जब हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन हो तो हम अपना सारा गेम ऑप्शन पे प्लान करके चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। यहां पे देखिए पूछा क्या है कि थ्री का अपोजिट क्या होगा, थ्री के अगल बगल सिक्स टू है तो टू नहीं होगा और सिक्स नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। इसके बाद है क्या, आपसे पूछा गया कि थ्री का अपोजिट क्या होगा, तो थ्री का अपोजिट वन और फोर नहीं होगा। तो दोस्त मेरे बचा क्या, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर फाइव ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर ए जिसमें वैल्यू गिवन है फाइव। तो यहाँ पे थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो अगले क्वेश्चन में गिवन है क्या कि इफ यू हैव सीन द फिगर ऑफ सेलेक्टेड नंबर अपोजिट द नंबर आस्किंग ईच क्वेश्चन। पूछा गया क्या कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ फेसेस शोइंग फाइव। बच्चे पांच के विपरीत कौन सी संख्या होगी, फाइव का थ्री फोर है पहले ऑप्शन में,
थ्री फोर में का थ्री नहीं होगा, फाइव का टू टू फाइव है, टू टू फाइव में का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं हट रहा है, तो फाइव के साथ सिक्स और थ्री है तो फाइव के साथ सिक्स हट जाएगा। अब बचा क्या, बचा है यहाँ पे वन और फाइव, आइए देखते हैं कितना मज़ा आता है। यहाँ पे वन और फाइव बचा है और पूछा भी फाइव का है, तो बच्चा फाइव का पूछा है तो फाइव तो होगा नहीं ना, ये तो कन्फर्म है। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन वन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर मैं बात करूं, सेवन में पूछा गया टू का अपोजिट क्या होगा, टू के अगल बगल फाइव थ्री है तो फाइव और थ्री ऑप्शन हटा गया, टू के अगल बगल फोर और थ्री है तो फोर भी हटा दिया, बचा क्या वन, तो टू के अपोजिट नंबर कौन सा है, आंसर इज वन। कोई डाउट है अब तक, कोई डाउट नहीं, ऐसी फटाफट आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में पूछा ऑपोजिट ऑफ फाइव कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए दोस्त फाइव के अगल बगल है कौन, थ्री और टू, तो थ्री टू यहाँ पे है और थ्री टू यहाँ पे है, बच्चा कौन यहाँ पे वन, तो फाइव का अपोजिट वन आंसर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट पूछा किसका है, वन का, वन के अगल बगल सिक्स और फाइव है, सिक्स और फाइव है कहीं नहीं, तो यहाँ से हटा दो ना फाइव, वन के अगल बगल वन टू है, टू भी हटा दो, वन के अगल बगल वन टू था तो हमने टू हटा दिया, और वन के अगल बगल फाइव सिक्स है तो हटा दिया। तो पूछा वन क्या है, तो सबसे पहला टारगेट होगा कि वन के अगल बगल टू, सॉरी वन के अगल बगल टू और फोर कहीं नहीं था। अब बच्चा एक बात बताइए सिंपल, यहाँ पे है वन टू, ठीक है, और यहाँ पे है आपका वन टू फोर, अब पूछा किसका है, वन का अपोजिट पूछा है, तो सिक्स फाइव कहीं कॉमन है, कहीं भी कॉमन नहीं है। अगर इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे देखो थ्री टू है वो भी कहीं कॉमन नहीं है, थ्री फाइव है वो भी कहीं कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो वन के अपोजिट में क्या होगा, टू फोर फाइव सिक्स, वन के अपोजिट में टू फोर फाइव और सिक्स नहीं होगा। तो जब हमारे पास का डेटा इस तरीके का दिया होगा वन, तो देखो वन का अपोजिट क्या नहीं होगा, टू फोर फाइव सिक्स नहीं होगा ना, तो बच्चा टू फोर फाइव सिक्स होगा ही नहीं, तो बचा कौन सा थ्री, थ्री इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बच्चा सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, नाइन करा दिया ना, अब देखो कितना फटाफट, मतलब चुटकी बजाते अगर आपका आंसर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट इमेज लेके भेज सकते हैं, वहां से मैं आपका आंसर सॉल्व करके भेज दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया ऑपोजिट नंबर ऑफ सिक्स कुछ नहीं करना, पहले ऑप्शन हटाते हैं, सिक्स के अगल बगल है थ्री टू, तो थ्री यहाँ से और टू यहाँ से, सिक्स के अगल बगल है वन तो वन यहाँ से, क्लियर है, बचा कौन सा फोर, तो फोर हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्स, सिक्स का अपोजिट होता है फोर अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर ओनली नॉट इन रियालिटी। नेक्स्ट डॉट्स गिवन है, पूछा क्या है कि मेनी हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन द फेसेज अपोजिट ऑफ कंटेंट फोर डॉट्स, बच्चा फोर डॉट्स के अपोजिट क्या हो गया, ध्यान से देखिए फोर डॉट यहाँ पे है, अब दोनों में कॉमन क्या है, टू टू कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है टू टू, टू के बाद हो गया फाइव और फाइव के बाद हो गया फोर, और यहाँ पे टू के बाद हो गया सिक्स और सिक्स के बाद हो गया वन, पूछा किसका है, पूछा है फोर का अपोजिट क्या होगा, तो फोर का अपोजिट हो जाएगा आपका वन। दोस्त यहाँ पे पूछा गया फोर डॉट्स के अपोजिट क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फोर डॉट के अपोजिट में क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास कॉमन क्या है, ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास कॉमन है यहाँ पे वन और वन, ठीक है ना, बी केयरफुल, वन और वन कॉमन है, तो जब वन वन कॉमन है तो टू और सिक्स आया, पहले में टू और सिक्स आया और दूसरे में है क्या फाइव और फोर, तो यहाँ पे फोर का अपोजिट क्या है, सिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था तो इसकी वजह से वो चीज़ हुआ, तो अब यहाँ पे क्लियर है ना दोस्त, तो यहाँ पे सिक्स का अपोजिट हो जाएगा फोर और फोर का अपोजिट हो जाएगा सिक्स। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूवर जुड़ रहे हों तो आप स्टार्टिंग से सेशन जरूर देखिए, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्यों, क्योंकि हमारे जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक सबसे पहले मिलेंगे, वो भी बेल आइकन क्लिक करने के बाद। क्लियर है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है क्या कि वन का अपोजिट क्या होगा, तो दोनों में टू टू कॉमन है ना, कुछ मत करो, टू के बाद यहाँ पे हो गया वन और फाइव, टू के बाद यहाँ पे हो गया वन और फाइव,
तो टू के बाद यहाँ पे हो गया सिक्स और थ्री, तो सिक्स और थ्री बचा कौन सा, तो पिन द नंबर वन, तो वन का अपोजिट क्या हो गया, सिक्स हो गया। क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। भाई अगर आपके मन में चल रहा हो कि सर और कैसा क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि एडुप्राइड एक ऐसा चैनल है जो मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी पेपर कह सकते हो आप, उसकी सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिलेगी, और लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर सोन ब्लू व्हेन द थ्री व्हेन देयर आर टू डॉट्स, टू डॉट्स की बात करेंगे ऑफ द बॉटम देन द नंबर ऑफ डॉट्स एट टॉप। टू डॉट्स अगर बॉटम में होगा तो टॉप में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या, दोनों में कॉमन क्या है, वन वन, तो दोनों में हमने वन और वन कॉमन ले लिया, इसके बाद टू और फोर, इसके बाद टू और फोर, और यहाँ पे थ्री और फाइव, दोनों में वन वन कॉमन लिया था, तो टू और फोर। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, पता क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे डॉट है, अब डॉट में पूछा टू डॉट्स का, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो वन है ना, पूछा किसका है, टू का, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, वन है, तो वन के बाद थ्री और फाइव, तो वन के बाद थ्री और फाइव, तो वन के बाद टू और फोर, वन के बाद टू और फोर। अब एक बात बताइए, फाइव का अपोजिट फोर, थ्री का अपोजिट टू, और वन का अपोजिट सिक्स, सिक्स इज अ राइट आंसर। बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग आ गए, कहीं पे आपको ऐसा मिला कि दो अपोजिट के रियल वैल्यू को आप ऐड करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा डाइस का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नहीं ना, पूरे क्वेश्चन को लगा दीजिए भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, पूछ किस कर रहा है, वन का दिया किसका, फोर और टू, वन के अपोजिट में फोर तो गया, क्लियर है, वन के अपोजिट में फोर गया। अब एक बात बताओ दोस्त, जब दोनों पिक्चर में टू टू कॉमन है, तो पहले वाले पिक्चर में बना है फोर और थ्री, और यहाँ टू टू कॉमन है, तो इस पिक्चर में बना है फोर टू वन, क्लियर है, तो फोर टू वन। तो देखिए कुछ नहीं करना, जब ऐसा डेटा आया होगा तो दोनों में नंबर के साथ साथ उनके पोजीशन भी कॉमन है, तो एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये टू जाएगा टू के ऊपर, फोर फोर के ऊपर, और ये वन जाएगा थ्री के ऊपर, और पूछा किसका था, वन का, तो वन का आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज थ्री। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ाऊँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास एक डेटा ऐसा शो करके चला गया कि हमारे पास डाइस में किसी भी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, उनका फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक होना जरूरी नहीं है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस और रियल डाइस कौन सा होगा। क्लियर है, डाइस का क्वेश्चन बिना थ्योरी पढ़े दिया जा सकता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना है तो और भी चीज़ें हैं ना थ्योरी पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए डाइस का होना जरूरी नहीं है, आप थ्योरी नॉर्मली पढ़ सकते हो वैसे, लेकिन बिना थ्योरी के जब काम हो रहा है बच्चा, तो हम डाइस के लिए थ्योरी क्यों पढ़ें। क्लियर है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारे एडुप्राइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हैं वो आप तक मिलेंगे सबसे पहले। क्लियर है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मैंने टोटल 14 क्वेश्चन दिखाए हैं, जिसमें से हमारे जो क्वेश्चंस का सेशन है वो लगभग सारे क्वेश्चन इस सेशन के प्रीवियस ईयर के डेटा से उठाए गए थे। प्रीवियस ईयर कहाँ से, तो कहीं मान लीजिए कि MPPSC का पेपर हो गया या UP का पेपर हो गया, तो वहाँ से हम लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया, और ताकि आपके पास एक कलेक्शन पहुँच सके, क्वेश्चन का कलेक्शन पहुँच सके। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।